नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एस्क्लेपियस आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे एक इम्यून बूस्टर प्रोडक्ट वायरल डॉग के बारे में। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे वायरल डॉग प्रोडक्ट क्या है, इसे कौन कौन से पदार्थों से मिलाकर बनाया गया है, इसे लेने की विधि और इस्तेमाल करते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है इत्यादि, इन सारी बातों की चर्चा हम आज इस सेशन के माध्यम से करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि वायरल डॉग प्रोडक्ट क्या है। एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाई गई एक लिक्विड फॉर्म का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। ये एक इम्यून बूस्टर प्रोडक्ट है जिसे विभिन्न प्रकार के औषधियों से मिलाकर बनाया गया है। आइए देखते हैं इनमें कौन कौन से पदार्थों को इसे मिलाकर बनाया गया है और उन पदार्थों का क्या बेनिफिट्स है, इन सारी बातों की। इन्ग्रीडियंट्स है पपेया लीफ, अश्वगंधा, अर्जुन छाल, गिलोय, जिंजर, हरड़, बहेरा, आंवला। हरड़, बहेरा, आंवला यहाँ आपको बता दें, ये तीनों मिलाकर त्रिफला बनते हैं। त्रिफला इन्हीं से बनाया जाता है। इसके अलावा इसमें हल्दी है, काली मिर्च, गार्लिक, मुलेठी और तुलसी है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि गार्लिक ये अल्जाइमर जैसे रोगों के लिए काफ़ी प्रभावी माना गया है तथा अल्जाइमर से हमारे ब्रेन को होने वाले खतरे से भी ये बचाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। इसके अलावा गार्लिक हमारे पाचन, हृदय रोग, सांस संबंधी समस्या एवं त्वचा विकारों में भी काफ़ी कारगर है। यदि हल्दी की बात करें तो ये हमारी सुंदरता, त्वचा की खूबसूरती के अलावा इम्यून सिस्टम को मजबूत करना तथा अनेक बीमारियों से हमारी रक्षा करने में काफ़ी सक्षम है। इसके अलावा त्रिफला हमें पाचन तंत्र को सही करने एवं गैस, कब्ज इत्यादि को ठीक करने, इसके अलावा भूख बढ़ाने में काफ़ी कारगर है। मुलेठी का इस्तेमाल अधिकांशतः खांसी इत्यादि में किया जाता है तथा गले में जमे हुए कफ को दूर करने में ये काफ़ी सहायक होती है। पपेया लीफ, पपीता की पत्तियों के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा यदि कम हो गई है तो उन्हें ये बढ़ाने में कारगर है। इसके अलावा हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को ये बूस्ट करती है और हमारे इम्यूनिटी को इनक्रीज करती है। डेंगू से लड़ने में ये रामबाण माने गए हैं। इसके सेवन से हमारी भूख बढ़ती है। इसके अलावा मलेरिया में भी ये काफ़ी कारगर मानी गई है पपीता की पत्तियाँ। अश्वगंधा में मौजूद ऑक्सीडेंट हमारे इम्यून सिस्टम को काफ़ी मजबूत बनाते हैं और हमें होने वाले वायरल प्रॉब्लम जैसे सर्दी, जुखाम हुए, इन जैसी समस्याओं से लड़ने में ये हमारी काफ़ी मदद करते हैं। इसके अलावा हमें शारीरिक ताकत एवं हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करने में अश्वगंधा काफ़ी कारगर औषधि के रूप में माना गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अर्जुन छाल। अर्जुन छाल, इसका चूर्ण या इसे काढ़ा बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। ये हमें कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने में सहायक होते हैं। इसकी मदद से हृदय संबंधी रोग, खांसी इत्यादि में ये हमारी काफ़ी मदद करती है। इसके अलावा भी अर्जुन छाल का उपयोग काफ़ी समय से होते आ रहा है। ये हमारे अन्य भी बीमारियों से लड़ने में काफ़ी सहायक होती है। तो दोस्तों, आपने देखा AWPL के इम्यून बूस्टर वायरल डॉग प्रवाही क्वाथ प्रोडक्ट में कितने सारे इन्ग्रीडियंट्स हैं, कितने शक्तिशाली इंग्रेडिएंट्स हैं और इनके बेनिफिट्स के बारे में जाने, इनका क्या क्या उपयोग है इनके बारे में आप जाने। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि इस प्रोडक्ट को कैसे हम इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, ये सारी बातें हम आगे देखेंगे। सबसे पहले जब इस प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि इसे एक महीना के अंदर में हमें इस्तेमाल कर लेना है, वरना ये एक्सपायर होने की संभावना रहती है। दिन में इसे दो बार इस्तेमाल करना है 25 से 30 ml तक।
चिकित्सक से अवश्य परामर्श लें। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते समय अच्छी तरह से शेक कर लें और इसे शेक करके इस्तेमाल करें। इसके अलावा इस्तेमाल करने के बाद इसे ठंडे व सूखे स्थान पर जरूर रख दें। सूर्य की प्रकाश से इसे बचाकर ही रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, खरीदते समय ये जांच लें कि प्रोडक्ट की एक्सपायरी क्या है और कहीं प्रोडक्ट में कोई किसी तरह का लीकेज ना हो, टूटा फूटा ना हो, उसका सील ना टूटा हो। ये सारी बातें की ध्यान आप खरीदते समय कर लें। तो दोस्तों, यदि इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हो रहा है, इस कॉन्टैक्ट नंबर से या इस फ्लैश हुए मैसेज के माध्यम से आप इस प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।